We have with us the Speaker of Delhi Assembly, Ram Niwas Goel. Welcome, sir. First question, a speaker has a definite protocol. Today, by participating in the protest called by Aam Aadmi Party, the governing party in Delhi, you have broken that protocol. Do you agree? I agree with that because I am the speaker, but first of all, I am the citizen of Delhi. If the rights of the citizens of Delhi are being kidnapped, I am using the word of kidnapping by Modi, I have to come on the road. One more thing I am saying politely. This was not the protest of the Aam Aadmi Party. This was the protest of Delhi public, Delhi residents, Delhi voters for their rights. Jo unko aaj tak nahi mile from last, how many years have passed? Independence se leke aaj tak. 70 years has passed out. First of all, it was demanded by Chaudhary Bharam Prakash. Who has to resign? That was the man only who spoke against the Nehru. Right. Modi Nehru nahi banaya abhi. And this is the Arvind Kejriwal who is speaking against Narendra Modi. Right. एक और बात ये देखने को मिली है कि एलजी अनिल बैजल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, दिल्ली असेंबली का स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और दो संवैधानिक पदों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है, बहुत रेयर है शायद ये भारत के इतिहास में। बिल्कुल, मैं सही मानता हूँ इसको, ये बिल्कुल रेयर है। लेकिन ये भी वास्तविकता है, किसी एलजी ने कौन सेक्रेटरी होगा विधानसभा का, चाहे दैट वाज यूनियन टेरिटरी और दैट वाज द फुल फ्लेश्ड स्टेट, नो बॉडी एलजी और गवर्नर हैज डेयर टू से इस एलजी, इस सेक्रेटरी को हटाइए। दैट वाज फर्स्ट एलजी नजीब जंग। नाउ दिस पर्सन अनिल बैजल हु इज सो कॉल्ड एलजी, एक संवैधानिक मर्यादा पद की मर्यादा को रखते हुए वो ये लेटर लिखे लॉ सेक्रेटरी को कि जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं थी सर्विसेज पुलिस एंड लैंड, इन पर विधानसभा में क्वेश्चन ना लगे, इसको रोका जाए। आप जो है स्पीकर को लेटर लिखे, लॉर्ड लॉ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, इट कैन नॉट बी डन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एलजी साहब चले गए होम मिनिस्ट्री के पास और वहां से एक फर्रा ले आए, हाँ आप रोक सकते हैं, और एलजी ने थ्रू लॉ मिनिस्ट्री उस होम मिनिस्ट्री के लेटर के माध्यम से मुझे, मेरे सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि स्पीकर साहब को कहिए ये क्वेश्चंस रोक लें, ये क्वेश्चंस एक्सेप्ट ना करें। दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस in the history of India. There's no response from LG Anil Bajal, but you have been constantly being critical of him. No, definitely. LG is not speaking, he is doing. As directed by the Modi. हमारे पास जो अधिकार है वो बोलने का, और मुझे मजबूरन मैं इतना बेबस अपने आप को मान रहा था कि विधायकों के क्वेश्चन लगे हैं, इतनी मेहनत करके विधायक क्वेश्चन तैयार करके आ रहे हैं, अधिकारी कहें ये तो रिजर्व सब्जेक्ट है, इस पर हम उत्तर नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी बहन बिटिया की इज्जत लूटे और पुलिस कार्रवाई ना करे, क्या विधायक को विधानसभा में क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं? मेरे यहाँ स्कूलों में वैकेंसी पड़ी है टीचर्स की, और वैकेंसीज पड़ी हैं, एक विधायक ने पूछा, क्वेश्चन है ये ऑन रिकॉर्ड कि कितनी वैकेंसीज हैं दिल्ली के स्कूलों में, उनको भरा क्यों नहीं जा रहा? जवाब आए कि दिस इज द मैटर ऑफ द सर्विसेज, यू कांट आस्क फॉर दैट। हमसे ये तो कहा जाए कि शिक्षा बुरी हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन हम कहें कि नौकरियां भर दो, विधायक पूछे तो यू कांट आस्क दैट कितनी वैकेंसी। इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए मेरे सामने विधायक बेबस है, मैं उनका अध्यक्ष हूं, मेरी ड्यूटी बनती है किसी भी ढंग से उनके इस क्वेश्चन पूछने के अधिकार को, जो संवैधानिक अधिकार है, मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, आई विल मूव। आई स्पोक टू द आईएएस ऑफिसर्स, यू नो, एंड यू हैड आस्क्ड द एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड वन मोर सेक्रेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बी प्रेजेंट इन द असेंबली सेशन, स्पेशल असेंबली सेशन कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्कस द स्टेटहुड इशू। एंड मनीषा सक्सेना द फाइनेंस सेक्रेटरी रीच्ड आउट टू दिल्ली हाई कोर्ट एंड शी गॉट अ स्टे ऑन योर ऑर्डर, and she did not attend
you know, after getting relaxation from the exemption from the court, she did not attend the assembly session. So there's also a clear fight between the Speaker, Delhi Assembly, and the IAS officers. One thing, my friend, dear friend, I want to tell you. IAS officer going to the court, this is first time, against the committees or against the decision of Delhi Assembly speakers. It is happening first time. Delhi ki history utha ke dekh lijiye, kabhi nahi hua. Kiske sare par ho raha? Seedha Modi ke sare par ho raha, through LG. Aur jab wo ishara karenge, kyun matter legalized hai, I will not speak more than it. Kyun sadhanik pad par baitha hu, mujhe us maryada ka khyal rakhna. वो कोर्ट जा रहे हैं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ. मैं भी कोर्ट गया हूँ, मेरे वकीलों ने गया, पूरी बहस की, देखिए रिजल्ट. रिजर्व किया है, टेम्प्रेरी स्टे दिया, अभी ऑर्डर आ जाएगा, क्या ऑर्डर आता है. ठीक है, आज इस प्रोटेस्ट के पहले आईएएस ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में. उसमें ये कहा कि उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है. नंबर दो कि वो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, रूटीन मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं. सो एंड देयर इज नो लॉ विच कैन मेक इंश्योर दैट दे अटेंड रूटीन मीटिंग्स और विच बाउंड देम टू अटेंड रूटीन मीटिंग्स कॉल्ड बाय द मिनिस्टर्स. मैंने अभी कहा, आपने ही पूछा, विधानसभा में पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर ना देना, ये हड़ताल नहीं तो क्या. नंबर दो, कोई पॉलिसी मंत्री बनाता है, उस मंत्री उस पॉलिसी को बनाने के लिए डिस्कस करता है, वो वहाँ नहीं आते, ये हड़ताल नहीं तो क्या. क्यों, तरीका ये है कि मंत्री को डिसीजन लेते हैं, वो कैबिनेट का मीटिंग होता है, उसमें अप्रूवल होता है. आज दिल्ली में आप चले जाइए, मोर देन 150 मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं. LG के आदेश के आने के बाद भी हेल्थ सेक्रेटरी ने उनमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाए ये नहीं किया, ये हड़ताल नहीं तो क्या. एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अभी भी धरने पे हैं, दो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी निकाल चुकी है, एक में आप खुद प्रोटोकॉल तोड़ के सामने आए हैं, अब आगे का रास्ता क्या है. क्या आप सजेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि वो LG हाउस से बाहर निकलें और काम पे वापस आएं. आपके इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, ये भी पूछे साथ साथ कि चार इस देश के मुख्यमंत्री भी कला है. लेकिन मारे वाह LG साहब, इतनी आत्मा आपकी, आपको कभी ना कभी तो तरस आएगा. चारों में से मुख्यमंत्री को एक को मिलने नहीं दिया. आज इतनी बड़ी तादाद जो है, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए, फांसी देने से पहले वो जेल में बंद है, उसके परिवार के लोगों को उससे मिलने दिया, उसे मिलने दिया जाता. तुमने तो जेल से भी बदतर कर दिया. एक मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, चार चार मुख्यमंत्री राइटिंग में दिया, इससे बड़ा न्याय क्या होगा. ये भी एक आंदोलन का हिस्सा बन गया, इसको भी जोड़िए. लेकिन क्या अरविंद को अब हड़ताल तोड़ के बाहर आना चाहिए. नहीं, क्यों आना चाहिए बाहर, काम हो रहा है. जब अधिकारी कह रहे हैं, अब डबल मत करिए, मैं आपसे ही क्लोज कर रहा हूँ. अधिकारी जब कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है अरविंद की, करते रहिए आप काम कर रहे हैं. चीफ मिनिस्टर इज नॉट वर्किंग, राइट. नहीं, चीफ मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है. वो कह रहे हैं हमें जरूरत है, हम काम कर रहे हैं. व्हेन दे आर सेइंग वी आर वर्किंग फॉर दैट, व्हाट इज द नीड ऑफ द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. Why they are worried about it? They must go and work for Delhi. Okay. One question. You have worked with LG Najib Jung. You mentioned about him, and now you're working with LG Anil Baijal. Who was a better person to work with, or who is a difficult person to work with? One example I'm giving to you. Only one example. Whenever I went to Najib Jung on Deepavali, I used to go. Rashtrapati, Uprashtrapati. प्रधानमंत्री के पास गए, छोड़ दिया. नजीब जंग के पास गए, मैं एक शॉल लेके गया, वो आज तक मेरे दिल पर लिखे हुए शब्द जो उन्होंने कहा, गोयल साहब आप ये शॉल लेके आए हैं, मैं अपनी माता जी को दूंगा. ही सच टू मी. मैं इनके पास गया फर्स्ट टाइम, बड़ा अच्छा बिहेव किया. मेरे यहाँ एक रेलवे का मेट्रो स्टेशन को लिंक करने के लिए अंडरपास बन रहा है. मैंने कहा इसके लिए समय दे दीजिए, मैं चाहता हूँ आपके मुख्य अतिथि के नाते कर कमलों से उद्घाटन. ही एग्रीड फॉर दैट. कार्ड छप गए, LG साहब मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जिस दिन उद्घाटन होना था आपका मैसेज आ गया, आई एम नॉट कमिंग. हु वॉज बिहाइंड द कर्टेन, किसके आदेश पर समय देने के बाद, कार्ड छपने के बाद आप नहीं आए.
उस दिन से मैंने जाना बंद कर दिया. नॉट इवन कॉल हिम फॉर द इफ्तार. नो नो आई डिड नॉट कॉल. आई एम टेलिंग टू यू आई कॉल्ड हिम लास्ट ईयर फॉर द इफ्तार पार्टी. ही डिड नॉट केम. ही डिड नॉट केम. सो आई डिड नॉट कॉल हिम. Okay. Last time he did not came. Hmm. He didn't give any messages. I did not care. I did not care. Okay. तो संवैधानिक तौर पे कौन ज़्यादा मुश्किल व्यक्ति है आपके लिए काम करना या संवैधानिक परिस्थितियों में एक ही व्यक्तित्व है वो है नरेंद्र मोदी. एलजी बेकसूर है. एलजी तो कठपुतली है. उसको एलजी को अपनी नौकरी चाहिए या दिल्ली की जनता का ही तो चाहिए. मैं तो कह रहा हूँ एलजी साहब नसीब जंग बन जाओ. अगर आप नहीं कर सकते दिल्ली की जनता का ही छोड़ जाओ. उसी ने दिल्ली की जनता की बुलाई. बहुत बहुत